आज विंडोज के इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे हम विंडोज के आइकन को बड़ा करेंगे, छोटा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो इसके लिए सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे, व्यू में जाएंगे और लार्ज आइकन पे क्लिक करेंगे, या हम शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टू दबाकर आइकन को लार्ज कर सकते हैं। आइकन को फिर से उसी साइज में करने के लिए डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करिए, व्यू में जाइए और स्मॉल आइकन पे या कंट्रोल शिफ्ट F4 पे क्लिक करिए। इसके बाद डेस्कटॉप के आइकन को आप लार्ज आइकन, मीडियम और स्मॉल आइकन कर सकते हैं। इसके बाद ऑटो अरेंज आइकन, इस ऑप्शन का यूज हम डेस्कटॉप के आइकन को अरेंज करने के लिए करते हैं। चलिए इसको देखते हैं कि ऑटो अरेंज क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम कोई फाइल अगर यहाँ पे ड्रैग करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। अगर हम राइट क्लिक करें, व्यू में जाएं और ऑटो अरेंज पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी फाइल अपने आप अरेंज हो गई है। इसके बाद अगर हम राइट क्लिक करें, व्यू में जाएं और अलाइन टू ग्रिड पे क्लिक करें और अब इस फाइल को फिर से ड्रैग करें तो देखेंगे ये फाइल यहाँ पर नहीं आएगी। फिर से करके देखें, फिर से आप राइट क्लिक करें, व्यू में जाएं, व्यू में जाने के बाद आप इस ऑप्शन को अनचेक कर दें और फिर से फाइल को खींचें। अब देखिए यहाँ पर ये आ चुका है। इसका मतलब कि अगर आप फाइल में व्यू में ऑटो अरेंज आइकन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो फाइल ड्रैग करने पर डेस्कटॉप के अदर पोजीशन पे वो स्टे नहीं होगा। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है शॉर्ट, डेस्कटॉप के आइकन को छुपाना। अगर हम चाहते हैं कि हमारा डेस्कटॉप के आइकन स्क्रीन से हट जाए तो इसके लिए हम शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारा डेस्कटॉप का जो आइकन है वो छुप गया है। अगर आपको डेस्कटॉप के आइकन को फिर से लाना है तो आप इस पे राइट क्लिक करिए, व्यू में जाइए और शो डेस्कटॉप आइकन को क्लिक कर दें। तो देखिए डेस्कटॉप का आइकन आपका फिर से आ चुका है। इसके बाद अगर आप शॉर्ट अगर अपने डेस्कटॉप के आइकन को अरेंज करना चाहते हैं सॉर्टिंग ऑर्डर में तो आप बाय नेम पे क्लिक करने पे आपका जो आइकन होगा वो नेम के अनुसार अरेंज हो जाएगा। अगर आप शॉर्ट बाय साइज करते हैं तो हमारा आइकन साइज के क्रम में अरेंज हो जाएगा। अगर आप आइकन को आइटम टाइप करना चाहते हैं या डेट मॉडिफाई तो डेट के क्रम में ये अरेंज हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो ऑप्शन है वो रिफ्रेश का है। रिफ्रेश करने पर हमारा कंप्यूटर रिफ्रेश होता है। इसका शॉर्टकट कुंजी होता है F5। आप F5 की दबा करके शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करके आप कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है अंडू डिलीट, यानी कि अगर हम कोई काम किए हैं कंप्यूटर में तो उसे आप हटा सकते हैं। इसके बाद न्यू ऑप्शन का है। न्यू ऑप्शन पे हमने पहले ही एक बार वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको न्यू ऑप्शन की वीडियो देखने हैं तो हमारे पिछले प्लेलिस्ट में जाकर विंडोज़ की सीरीज में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पर्सनलाइज दिया है। अगर आपको डेस्कटॉप के आइकन या डेस्कटॉप के थीम को चेंज करना हो तो यहाँ पर हम पर्सनलाइज का यूज करके
डेस्कटॉप के थीम, कलर, बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा, ये थीम दिया हुआ है। अगर हमें थीम बदलना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, तो देखेंगे कि डेस्कटॉप का थीम बदल चुका है। फिर से यहाँ से क्लिक कर दीजिए, ये देखिए। तो इस तरह हम डेस्कटॉप के थीम को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट जो इसमें ऑप्शन है, शो मोर ऑप्शन। तो विंडो 11 में आप शो मोर ऑप्शन का यूज करके हम सेम उसी ऑप्शन को दोबारा इस वे में भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।